ऑफिसर्स के ये ऑल इंडिया जो रेफरी के ये मेंबर है यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी के रूप में विक्रम वोरा जी और निशांत हेगड़ा जी और फोर्थ रेफरी के रूप में अरुण खाता जो कि नेशनल रेफरी है आप फिलहाल सभी दर्शकों से अनुरोध है आप मैच का शांतिपूर्वक आनंद लें बीच बीच में मैच का अपडेट बताया जाएगा जैसे कि इस टूर्नामेंट का जो रूल है क्योंकि यह मैदान सराउंडिंग मैदान है ज्यादा बीच में आप लोगों को इस माइक के माध्यम से ताकि खिलाड़ी डिस्टर्ब ना हो इस वजह से बीच बीच में आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा खिलाड़ियों से परिचय देने का हम लोग काम करेंगे अच्छा पेड़ के ऊपर जो भी दर्शक आप लोग चढ़ गए हैं आप लोगों से अनुरोध है कृपया करके आप लोग नीचे उतरने का प्रयास करेंगे आपके सलामती के लिए भी ये एडवाइस दिया जा रहा है जो भी पेड़ के ऊपर बैठकर आप मैच का आनंद ले रहे हैं आप लोग कृपया करके आप लोग पेड़ से आप नीचे उतरने का प्रयास करें पूरी छोर में सूरज नखा है दाढ़ी रखा तो पैर दूर पड़ा होगा मैं कहता फेड़ा लगी दूर पे तो आप यहाँ फलन लगी ले रहा होगा चला गया भी कॉन्टेस्ट वाला मैच चला गया आज दुबारा मैच में निगम पे आप पे नियम बदल लेता है वही तरह आप दर को बदल लेता है आप पे भी दिक्कत हुई एक मोटरसाइकिल का चाबी हमारे कमेटी मंच पे पहुंच चुका है इससे पहले जो अनाउंस करवाने के लिए जो आए थे आप देख लीजिए टीवीएस कार का यहाँ पर चाबी इस मुख्य मंच पे यहाँ पर जमा हो चुका है अगर किसी का है तो कृपया करके इसके से आकर के आप लोग ले लीजिए जहाँ पर हम लोग एफसी हजारीबाग की टीम से उन सभी चुनिंदा खिलाड़ी को देख रहे हैं ठाकुर किसकू की अगुवाई में जो कि 12 नंबर जर्सी पहने हुए विकास नायक फुलचंद मांझी और लक्ष्मण सरदार जैसे इस मैच में इस टीम में मौजूद है अरे और यहाँ पर क्या सुनील लोहा के लिए सेवेंटी फोर और थोड़ा सा वहां पर डिफेंसिव लेप्स हुआ और उसका फायदा लेते हुए शुरुआती छक्का यहाँ पर दे चुका है डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर की टीम को और सुनील लोहा बहुत ही नामी चुनिंदा खिलाड़ियों में से माने जाने वाले ये खिलाड़ी पिछला मैच में भी बहुत मेहनत कर रहे थे और आखिरकार उसका परिणाम मिलता हुआ इस मैच में भी और अगली गोल इस मैच में आ चुका है एफसी हजारीबाग की टीम 1-0 की बढ़त पर तभी के लिए हजारीबाग की मीटे को गोल मिला सुनील लोहा ये तो बड़ी खिलाड़ी उन्हें बताते हैं वह पहला स्कोर भी ना मोड़े यार मोड़े मोड़े भोजा बनेगा बिस्किट के बनेगा मोड़े यार मोड़े मोड़े भोजा
यूनाइटेड एक्सपोर्ट एफसी कोलकाता टीम भी बनते हैं और संतोष ट्रॉफी में दो बार खेल चुके वासुदेव फिलहाल अभी भी वासुदेव के कच्चे में ही गौर है इस सीजन का उदाहरण को लाने का सौभाग्य वासुदेव रणवी इससे पहले के मैच में पहला गोल लाया था इस 2024 के सीजन का Thank you.
Tapi lazy. Thank you.
इस तरह से सिपाही बाबू के रूप डायरेक्टर फ्रांकी स्टॉप पे 200 को इस तरह से ब्लॉक किया था और इस वजह से इस रही तक खोल पाया गुरु सरे को इसका मौका मिला है लेफ्ट हैंड से आपको मंडल दे वासुदेव अच्छा पास करना जा सकते हैं इसका वासुदेव को फिर से यहाँ पर इंतजार करते रहेंगे लेकिन रंगलाल जो है बच्चू डिफेंडर माने जाते हैं और वासुदेव का खेल देखने के लिए बहुत सारे उनके समर्थक यहाँ आए हैं। लाहा तुमने वासुदेव को भी जर्सी नंबर 8 योगदान है हमारे यहाँ। उनका बेहतरीन खिलाड़ी के नाम संतोष ट्रॉफी हमारे टीम रनर नाम है उनका और इनका जितना ये बेच है फिर से सुनील लोहा टीम के लिए सेकंड गोल कर सकते हैं और खुद का सेकंड स्कोर करने के लिए चांस बन सकता है लेकिन विकास अच्छा आसर बनाया अरे गोल की पास चला के दिखाते वहां पर देदास सुनील लोहा बहुत ही सुंदर वहां पर चलो से वहां हरी के सुनने में मोमेंट के लिए प्रार्थना उनके डीएसपी यूनाइटेड दुर्गापुर की टीम अब सुरक्षित है खतरा टल चुका है उनके ऊपर से इस मैच में एथलीट और क्लास देखने को मिल रहा है वन प्ले दोनों टीम इस समय दिखा रहे हैं यानी कि बीच में एक प्लेस सेल्स बहुत ही कम दिखा है अच्छे उसी के लिए दिख रहा है क्या बर्बाद हो गया